हमें पता, ये आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, हम ये जो व्यवहारिक काम कर रहे हैं। देखो ध्रुव, देखो सानिया, सारा, आयरा और हम भी तीन, एक और तीन बटे दो, एक और तीन बटे दो, तीन बटे दो, थ्री बाई टू मतलब 1.5, 2.5, 2.5 मतलब 2 1/2। अब यहाँ से 1 से 1 कट गया, बचा यहाँ पर डेढ़, डेढ़ को आप लिख सकते हो 3/2। हाँ, 1 1/2 भी लिख सकते हो, पर अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ही आ गया तो हाँ, तो फिर आपको उनको दोनों चेक करना है, वैसे भी लिख सकते हो ना। तो 1 -1/2 भी कर सकते हो, 3/2, तो ये 3/2 ऊपर गया तो माइनस और वो प्लस। अब चलो चौथा वाला सॉल्व करके दिखाओ, सेम ही है ना, ढाई दिख रहा है, ढाई। बच्चों देखो, और एक बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बने नहीं, ध्यान रखना, सबसे बनना चाहिए। चलो हम पांचवें वाले की हम कॉपी में देखेंगे सबकी। देखो पांचवें वाले हैं बच्चों, एटीएम वाली तो निकालना ही है, चाहे बार वाली, बाकी ये वाली निकाल दो तो वो ऊपर से है, निकाल दो, कंसंट्रेशन तो लगा हुआ है ना। तो ये फोर्थ और ये आपका थर्ड एंड फोर्थ ऑलमोस्ट सेम ही, ऑलमोस्ट सेम, क्या सेम ही है। फिफ्थ नंबर की ऑर्डर और यूनिट हो गया सबका सॉल्व, हमारा है देखने। हम सबसे पहले उन बच्चों के देखेंगे जो थोड़े अभी कमजोर हैं, मतलब जो हमारे जैसे हैं। चलो अनुष्का दिखाओ, क्यों 3/2 ही तो है, डेढ़ तो है, 1/1/2 ऑर्डर आ गई, 1/1/2 रख दो। आ गई सानिया, अभी नहीं आई, सारा आ गई, दिखाओ। सही है सारा, ए तुम्हें यह पूरी कुर्सी इनको रब बनाए। ये मैं करो करो बेटा कुर्सी में नहीं, हम पिछले साल से ढूंढ रहे वो व्यक्ति को जिन्हें मैं कुर्सी को दी, आज मिलो तुम आओ, फुर्सत टाइम में जो आ रहा है, इतना डर का लिखो, पता है मैं आ रहा हूँ, कल रिजल्ट ला के साफ करो, हमें कुर्सी बिल्कुल साफ चाहिए अपनी, लाओ भाई। नैन्सी कौन सी गलत लगा रहे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लग रहा अभी तक, आ गई, हाँ सही है। सौम्या लाओ, दो मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है सौम्या, वो अभी हम तुम लोगों को बच्चों की तरह टीटा कर रहे हैं, अभी अपना लेवल बहुत डाउन है, अभी अपन किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते। हाँ सही है, ऑर्डर भी सही है, दिखाओ नेहा, सही है ऑर्डर भी सही है। लाओ नामिका, विजेता सही है और सही है, सही है। ध्रुव दिखाओ, हो गया, अभी कर रहे आ गई, इसका हम समझते हैं ना, तुम लोग थोड़ा सा वो हेजिटेशन में रहते हो पूछने में, घर पे जाके लगाना। ए है ऑर्डर तो सीधे सीधे देख रही है, 3/2 या 1 1/2 या फिर 1.5, सॉल्व कर लो, 2 1 या 2.5, वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1 1/2।
रख दो यहाँ वन वन बाई टू, एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर कैंसिल, बचा आधा, आधा मोल ऊपर जाएगा तो माइनस का आधा मोल, आधा एक से वन टू को मल्टीप्लाई करोगे वन टू ही आ जाएगा, तो आधा माइनस में लीटर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में आधा लीटर, और सेकेंड इनवर्स वैसे ही है। मान लो यहाँ एटीएम होता तो एटीएम की पावर वन वन बाई टू, एक एटीएम से एक एटीएम कैंसिल, आधा एटीएम, बच्चों मेहनत करनी है ना। अभी हम आपको बता दे रहे हैं हमारा लेवल कहाँ पर है, जैसे 100% में अगर हम अपने लेवल को काउंट करने की कोशिश करें, और तो अभी हम स्टार्टिंग में ही कहीं पर अटक रहे हैं 1 या 2% में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है, वैसे क्या है, अलग अलग एनसीईआरटी में पढ़े इसलिए हमें अलग अलग बोलने पड़ रहे हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है, फॉर आ रिएक्शन, फॉर आ रिएक्शन, हर्ष बातें कर रहे हो, दोनों हर्ष क्या हुआ तुम्हें, लग गया क्या तुझे अभी अभी, वो जाते समय देखते, अभी तो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कोई चिंता वाली बात है क्या हर्ष, कोई चिंता वाली बात है, तो अभी अभी पता चला क्या तुम्हें, हाँ चलो अभी देखते हैं। फॉर आर रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट द रेट लॉ इज, द रेट लॉ इज, कोई भी दिक्कत हो सीधे हमसे बताया करो, आपस में बात मत किया करो। द रेट लॉ इज गिवन बाय, द रेट लॉ इज गिवन बाय, इज गिवन बाय आर के ए की पावर वन बाई टू बी की पावर टू, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। देखो यहाँ बच्चों स्टोइकोमेट्री कुछ और है, मतलब ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, फिर उनने रेट लॉ लिखा तो सही नंबर बताया हमें। चलो जल्दी करूँ, अब इस बार ध्रुव बननी चाहिए तुमसे, हम आएंगे तुम्हारे पास, गलत बने चाहे सही लेकिन बननी चाहिए। अभी देखते हैं, ये वाले हम ही को करवाने पड़ेंगे, अभी नहीं बनेंगे। सबका बाद में कराते हैं, चलिए एक लास्ट और। ऑर्डर कितनी आ गई, 2 1 बाई टू, लिख दे आंसर सीधे,
वन बाई टू प्लस टू दैट इज टू टू वन बाई टू 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 पॉइंट फाइव। ठीक है जी बच्चों, इसकी ऑर्डर आ गई। यूनिट बता दोगे? है ना, बहुत बढ़िया। मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोल पर लीटर की पावर टू वन बाई, एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर बचा डेढ़, डेढ़ इक्वल थ्री बाई टू, तो मोल की पावर थ्री बाई टू, तो मोल माइनस की थ्री बाई टू, लीटर की पावर माइनस थ्री बाई टू, तो लीटर थ्री बाई टू, और बचा क्या सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसी की अगर हम एक और लिख देते प्रेशर वाली यूनिट, तो ए टी एम की पावर थ्री बाई टू, तो ए टी एम माइनस थ्री बाई, और ये सेकेंड इनवर्स। बच्चों बस आखिरी क्वेश्चन आज का, आज का लास्ट, ठीक है। फिर बच्चों 9-10 की तो आपकी कन्फर्म ही है, 11 की क्या होगी, अगर हम 12 के पहले आते हैं तब तो आपको बुलाएंगे, धूप में नहीं बुलाएंगे, ठीक है। 10 की शाम को डिक्लेयर कर देंगे हम। और होमवर्क हम थोड़ा सा काफ़ी देखे जाएंगे, काफ़ी क्या पूरे ही देखे जाएंगे जितना अभी तक पढ़ा है। क्वेश्चन है बच्चों, कुछ रेट एक्सप्रेशन दिए हैं, रेट एक्सप्रेशन दिए हैं रिएक्शन के, निकाल लिए हैं ऑर्डर, एंड निकाल लें डाइमेंशंस। पहले बता चुके हैं, यूनिट निकाल लिए, ओके, ठीक है। कुछ रेट एक्सप्रेशन दिए हैं, उसमें आपको ऑर्डर निकाल लिए उनकी और डायमेंशन निकाल लें। हम लिख रहे हैं तुरंत, जल्दी स्पॉट पे, अब स्पीड से आने चाहिए। हम लिखें और आपके आंसर, थ्री एनओ टेंस टू फॉर्म एन टू ओ। बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिखी है उनने, तो आप इसमें, हम तो वही दे रहे हैं जो सीधे उसमें एनसीईआरटी, हम इसका छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे, तो यहाँ थ्री एन ओ या एन टू ओ तो उन्होंने बैलेंस करके नहीं दी, लेकिन इसका रेट एक्सप्रेशन दे दिया है जो हमारे लिए जादू है। के एन ओ की पावर टू, ठीक है, यहाँ से नहीं आना है आंसर, वहाँ से आने हैं आंसर, ठीक है। सेकेंड देखो, जल्दी देखो सेकेंड, एच टू ओ टू प्लस थ्री आई नेगेटिव प्लस टू एच पॉजिटिव टेंस टू फॉर्म टू एच टू ओ प्लस आई थ्री माइनस। इसका भी बच्चों रेट एक्सप्रेशन दिया गया है हमें, रेट एक्सप्रेशन दिया गया है बच्चों इसका भी, के एच टू ओ टू एंड आई माइनस। अगली देखो बच्चों, थर्ड नंबर नहीं दिया उसमें, मतलब इनबैलेंस रिएक्शन है मेन, हमें रेट लॉस से चल रहा है।
है ना पावर, ये आ तो गई वन, नहीं नहीं ऐसे ही वन। इसका भी बच्चों रेट दिया गया है कि सी एच थ्री सी एच ओ की पावर 3/2। एक लास्ट और बच्चों इस फोर्थ नंबर का, C2H5Cl 10 to form C2H4 plus HCl। इसका भी बच्चों रेट एक्सप्रेशन दिया गया है, रेट एक्सप्रेशन के चलिए कर लीजिए फास्ट। हो गए मनु, हो गए, हो गए। देखो बच्चों एक्यूरेसी स्पीड के साथ ही आनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, दो दिन बाद थोड़ा और प्रॉब्लम होगी।